कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपने क्लिनिकल एआई आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड दी ऐप नाउ। नमामि धन्वंतरि मादि देवं सुरासुरै वंदित पाद पद्मं लोके जरार भय मृत्युनाशं दातार भीषं विविधौषधीनां शंखं चक्रं चलोकां दधतं मृतघटं चारुतुर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजने प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ। आइए आज हम लोग एक नया अध्याय यहाँ पर भी शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है अपस्मार प्रतिषेध अध्याय। तो आदरणीय महेंद्र सर, आप ये अध्याय शुरू करेंगे। हाँ सर, जी सप्तम अध्याय अथा तो अपस्मार प्रतिषेधम व्याख्यामे इतिहास माऊ आत्रे आदयो महर्षे है। अब इसके आगे अपस्मार प्रतिषेध अध्याय का व्याख्यान करेंगे जैसा कि आत्रे आदि महर्षियों ने कहा था। जी ये पढ़ दीजिए संस्कृत टीका। अस्माद अनंतरम अपस्मार प्रतिषेध उच्यते चिकित्सा सामान्या, मतलब अब इसके बाद में अपस्मार प्रतिषेध कहेंगे, जो चिकित्सा सामान्य होता है, सामान्य चिकित्सा होती है वह कहेंगे। चलिए इसका ना संथा देके पढ़ना है, तो आप लोग में से कौन पढ़ना चाहेगा? संथा देके पढ़ना है, आप ही पढ़िए सर, आपके पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। स्मृत पायो अपस मारे से सत्वाविसंप्लवात्। बोलिए सब लोग। स्मृत पायो अपस मारे से सत्वाविसंप्लवात्। जायति अव्यति चित्ति चिंता सुख भयाद भी। जायते अभिहते चित्ते चिंता शोक भयादि भी। उन्मादवत प्रकुपते चित्ते देहे गतई मलई। उन्मादवत प्रकोपिते चित्ते देहे गतेर मलई। अते सत्वे हृदि व्याप्ते संज्ञा वाय सूक्ष्मे सुचे। अते सत्वे हृदि व्याप्ते तमो विषन मूढ़मति विवत्सा कुरुते क्रिया। तमो विषन मूढ़मति विवत्सा कुरुते क्रिया।
दन्तान् खादन्पमन् फेनम् हस्तौ पादौ च विक्षेपन् पश्यन् सन्ति रूपाणि प्रक्षलन् पतति चितौ पश्यन् सन्ति रूपाणि प्रसखलन् पतति चितो जिभ्या अच्छि भ्रवौ दोषु विगेयति विबुध्यति विभुतान्तरेण च पुनश्चमेवं विचेष्टति कालान्तरेण स पुनश्चमेव विशिष्टते सर हिंदी वाला पढ़िए। स्मृति का नाश होना ही अपस्मार कहा जाता है। स्मृति का यह विनाश बुद्धि और धैर्य के नाश से चिंता शोक और भय आदि से चित्त में चोट लगने पर होता है। उन्माद की भांति रज तम और बातादि दोष प्रकोपित होकर मन को नष्ट करके हृदय और संज्ञा व स्रोतों में व्याप्त होकर अपस्मार उत्पन्न करते हैं। इसमें रोगी मूढ़मती बनकर मोह में उतरकर विभत्स चेष्टाएं करता है। दांतों को काटता हुआ, झाग का बमन करता हुआ, हाथ पैरों को फेंकता हुआ, ना होते हुए रूपों को देखता हुआ और लड़खड़ाता हुआ भूमि पर गिर जाता है। आंखें और भ्रू कुटिल हो जाते हैं। दोष वेग के बीच जाने पर जागता है और कुछ समय पीछे वह फिर इसी प्रकार की चेष्टा करता है। अपस्मार बातादि दोष से और सन्नपात से चार प्रकार का है। तो देखिए इसमें बोल रहे हैं स्मृति का नाश होना अपस्मार कहा जाता है। इसमें जब भी झटके आते हैं उसके बाद में जब पेशेंट कॉन्शियस होता है तो उसको बहुत सारा चीज भूल जाता है। वो स्मृति का नाश, स्मृति का यह विनाश बुद्धि और धैर्य के नाश से होता है। उसकी बुद्धि जो निश्चयात्मिका बुद्धि है और ऊहापोह करती है वो बुद्धि जो है उसका भी विनाश हो जाता है, उसका धैर्य का भी नाश हो जाता है। चिंता शोक भय आदि कारणों से चित्त में चोट लगता है, मतलब जो मन है चित्त है उसमें कुछ ना कुछ अटैक होता है। उन्माद की भांति रज और तम वातादि दोष प्रकोपित होकर मन को नष्ट कर देते हैं, हृदय और संज्ञा व स्त्रोतों में व्याप्त होकर अपस्मार करते हैं। यहाँ पे रज और तम बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और तीनों दोष भी प्रकोपित हो रहे हैं। चरक संहिता में देखेंगे तो उसमें बोला है कि मलिन आहार खाने से, मतलब गंदा आहार खाने से और ये सारे चिंता शोक भय क्रोध ये सब ज्यादा करने से, इसमें रोगी मूढ़मति बनकर मोह में उतरकर विभत्स से चेष्टाएं करता है। मतलब एकदम झटके आते हैं तो डरावने वाले चेष्टाएं होने लगती हैं। दांतों को काटता है, झाग का वमन करता है, हाथ पैर को फेंकता हुआ, ना होते हुए रूपों को देखता हुआ, हल्यूसिनेशन टाइप होता है और लड़खड़ाता हुआ भूमि पर गिर जाता है। आंखें भूख कुटिल हो जाते हैं, कभी कभी आंखें जो है ऊपर की तरफ जाती है ऐसे खींचती हैं, कभी कभी नीचे की तरफ खींचती हैं, ऐसे कुटिल हो जाते हैं। दोष के वेग बीत जाने पर जागता है और कुछ समय पीछे वह फिर इसी प्रकार की चेष्टाएं करता है। अपस्मार वातादि दोष से सन्निपात से चार प्रकार का है। इसकी टीका पढ़ना है सर। स्मृति अपायो विनाश अपस्मार उच्चते सच स्मृति विनाशो बुद्धियादि विनाश विनाशाचिते चिंताद्यवयते तयो उन्माद वचित्त देह गतै दोषै प्रकुपतै सत्वे हते हृदय व्याप्ति तथा संज्ञा वायिषु स्रोतसु व्याप्तेषु सत्सु जायते तस्मिश्च जाते सति मूढ़मति संतमो मोह विसन विवस्सा निंदता क्रिया कुरुते नेतु तमो द्रव्य विशेष इय गृहते तस्य देवा असंभवात्
यदि वा तमसो असंभवश्चापि दर्शन संभवात् संभवाभ्यत एव रोग स्वभावात् अतएव वच्छति पश्चन्न संति रूपाणि इति ता एव क्रिया वक्ति दंता नित्यादि यावत् यावत् विजिभ्याच्छि भ्रु इति विजिभ्याम् अच्छि भ्रु यस्य स एवम् अच्छि भ्रु शब्दो अचतुरादि निपात दोष वेगे चाति क्रांति विबुद्यति प्रकृति याति कालांतरेण से अपस्मारी एवं एव पूर्वत करोति। थैंक यू सर। थैंक यू सर। इसमें बोल रहे हैं स्मृतिर अपायो, स्मृति का नाश होता है, विनाश होता है, इसको अपस्मार कहते हैं। स च स्मृति विनाशो बुद्धियादि विनाशचिते चिंतादाद भी हते, मतलब स्मृति विनाश होता है, बुद्धि आदि का भी विनाश होता है, चित्त का भी विनाश होता है, चिंता आदि का उससे अभिहत होने की वजह से ये सब होता है। तथो उन्माद चित्त देह गतिर दोष प्रकोपिते सत्वे हते, मतलब उन्माद में चित्त और देह में अगर दोष बढ़ जाते हैं तो वो प्रकोपित होके जो सत्व मतलब मन है उसको नष्ट करते हैं। हृदय व्याप्ते, हृदय में व्याप्त हो जाते हैं, जो मस्तिष्कगत हृदय है और उरस्थित हृदय उसमें व्याप्त हो जाते हैं। तथा संज्ञावाहिषु स्त्रोतसु व्याप्तेषु सत्सु जायते, संज्ञा व स्त्रोतस में व्याप्त हो जाते हैं और ये प्रॉब्लम करते हैं। तस्मिन् जाते सति मूढ़मति सन तमो मोहा, इसमें जाके मूढ़मति हो जाता है, क्या करना है क्या नहीं उसको मूर्ख की तरह हो जाता है, उसमें तमो मोह मोह बहुत होता है और कुछ अलग स्थिति होती है। विषन विभत्स निंदिता क्रिया कुरुते, मतलब डरावनी क्रिया करता है, जैसे झटके आ रहे हैं तो कोई भी इंसान है ना वो डर जाएगा, नॉर्मल इंसान देख के डर जाएगा। ना तो तमो द्रव्य विशेष विग्रह थे, यहाँ पे तम है वो द्रव्य नहीं देखना चाहिए। तस्य दिवा संभवात, मतलब दिन में भी ये हो सकता है रात को भी हो सकता है, तो ऐसा नहीं सोचना है कि रात को ही होगा। यदा यदि वह तमसो असंभवस्यापि दर्शन संभावत इति रोग स्वभावत, इसमें आंखों के आगे अंधेरा छाता है, तम गुण बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो ये रोग का स्वभाव है। अतएव वक्ष्यति पश्यत संति रूपाणि इति, मतलब ये कह रहे हैं कि बहुत सारे अलग अलग रूप दिखाई देते हैं, हेलुसिनेशन टाइप होता है कुछ, जैसे आंखों के आगे कुछ तो अजीब चीजें दिखाई दे रही है। तायु क्रिया वक्ति दंता नित्यादि यावत जीवाक्ष भ्रुवा इति, मतलब वो दांतों को काटता है, कभी कभी जीभ को भी बाइट करता है, और जो जीवा है अक्षी भ्रुव है वो कुटिल हो जाते हैं, मतलब जो आईब्रोज है ना वो टेढ़े मेढ़े होते हैं, जीभ टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। विजीव अक्षी भ्रुव यस एवं, मतलब यहाँ पे अक्षी भ्रुव है वो विजीव होते टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, अक्षी भ्रुव भी टेढ़े हो जाते हैं। अक्षी भ्रुव शब्दों चतुरादि निपात, यहाँ पे निपात नाक की संज्ञा है, अक्षी भ्रुव जो है वो सब टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। दोष वेगे जाति क्रांति विबुद्धते प्रकृति आती, दोष का जब वेग होता है तो अतिक्रांत हो जाता है, ये इसकी प्रकृति है ये बीमारी की। कालांतरेण से अपस्मारी एवं पूर्ववत करोति, कुछ काल के बाद अपस्मारी जो रोगी है वह पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है, लेकिन उसका स्मृति का नाश तो होता ही है। चलिए पांचवा नंबर का श्लोक है, ये पढ़ दीजिए वंदना मैडम जी, आप पढ़ेंगी पांचवा छठवा सातवा श्लोक का? जी भाई जी, पढ़िए, आपके पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। अपस्मार चतुर्भेदो वात्राध्य निच हीन च रूपमुत्ते मतस्य माने अस्मिन् प्रतिकम्प शून्यता भ्रमः। पढ़िए सब लोग, सब लोग बोलिए, संता देके बोलिए। रूप मुत सम्माने अस्मिन् प्रतिकम्प शून्यता भ्रमः। तमसो दर्शन ध्यानम् तमसो दर्शन ध्यानम् ब्रुव्यादो अस अक्षी वैकृतम् ब्रुव्यादासो अक्षी वैकृतम् अशब्द श्रवण त्वेदो अशब्द श्रवण त्वेदो लाला सिद्धान क्षुति लाला सिद्धान क्षुति अविपाको अरुचि मूर्छा उक्षाटोपो बलक्षय
निद्रानाशो अंगम दस्तट निद्रानाशो अंगम दस्तटम स्वप्ने गानम सनर्तनम पानम तैलस्य मद्यस्य तयोरेव च मेहनम तयोरेव च मेहनम। उन्होंने बोले अपस्मार वातादि दोष से सन्निपत से चार प्रकार का होता है। अब ये पूर्व रूप वाला पढ़ना है, हिंदी वाला पढ़ दीजिए। 15 मैडम आप पढ़ेंगी। हाँ जी वैजी, मैंने पढ़ना शुरू कर दिया था, अनम्यूट नहीं किया था। इस रोग के उत्पन्न होने के लक्ष्य लक्षण हृदय का कंपन, शून्यता, चक्कर आना, अंधकार का दर्शन, ध्यान, भ्रूविक्षेप, आंखों की विकृति, ना हुए शब्दों को सुनना, पसीना आना, लाला और नाक की मैल का निकलना, अविपाक, अरुचि, मूर्छा, उदर में आटोप, पलनाश, निद्रानाश, अंगों का टूटना, प्यास, स्वप्न में नाचने के साथ गाना, स्वप्न में तेल या मद्य का पीना और इन्हीं का मूत्र त्याग करना, स्वप्न में गाना या नाचना का अर्थ नींद में उठकर ये काम करने से है। इस अवस्था को आजकल सोमोनो ब्लिज्म कहते हैं। जी, तो ये पूर्वरूपावस्था है, इसको देख के अगर किसी ने परफेक्ट डायग्नोसिस कर लिया कि अभी अपस्मार होने वाला है, उसी टाइम चिकित्सा हो सकती है। तो इसमें हृदय का कंपन होता है, जैसे पाल्पिटेशन हो रहा है, शून्यता लगती है, चक्कर आता है, आंखों के सामने अंधकार दिखता है, ध्यान, इंसान कोई अलग ही मूड में रहता है, चिंतन करता है, भ्रू विक्षेप होता है, आंखों की विकृति होती है, ना हुए शब्दों को सुनता है, मतलब ऑडिटरी हेलुसिनेशन होता है, सब माइंड जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है, पसीना आता है, लाला और नाक की मैल ज्यादा निकलता है, अविपाक, अरुचि, मूर्छा, उदर में आटो, बल नाश, निद्रा नाश, अंगों का टूटना, प्यास, स्वप्न में नाचने के साथ गाना, स्वप्न में तैल या मद्य का पीना, इन्हीं का मूत्र त्याग करना, मतलब यूरिन भी हो रहा है ना, तो ऐसे लग रहा है कि तेल और मद्य निकल रहा है, सपने में भी उसको ऐसा आ रहा है कि तेल या मद्य पी रहे, स्वप्न में गाना या नाचना का अर्थ नींद में उठ जाने पर ये काम से है। इस अवस्था को आजकल सोमोनो ब्लिज्म कहते हैं। चलो इसकी टीका पढ़ते हैं। जी, ये प्रारंभिक अवस्था अगर है और केवल एक दो लक्षण है, जैसे पेशेंट अभी आया है मेरे पास, तो उसको चक्कर आके और एकदम अंधेरा छा जाता है और फिर अचानक से वो गिर जाती है और हाथ पैर से सामान भी छूट जाता है। अभी बस इतना ही है, ये नृत्य करना और ये सब नहीं है। और जब गिरती है तो थोड़ा सा फेस चेंज हो जाता है, फिर वो ऑटोमेटिकली धीरे से अपने आप ही मतलब ठीक भी हो जाती है। तो आप दीजिए ना चिकित्सा उनको, पहले तो त्रिवित्ले हमसे विरेचन करा दीजिए, विरेचन कराने के बाद 2-3 दिन तक नित्य विरेचन कराइए या फिर जी 10 दिन जी तक कराइए, और उसके बाद स्मृति सागर रस, कुष्मांड डवले, फिर पंचामृत लौह गुगुल और मानस मित्र गुटिका, ब्राह्मी वटी, स्मृति सागर रस, और यही सब देंगे तो हो जाएगा, स्वर्ण जी जी सारस्वतारिष्ट। हाँ चलिए टीका पढ़िए। अपस्मार चतुप्रकार प्रकार अपस्मार चतुष्वेदो वातादे निर्चयेत च अपस्मार चतुष्पकार कथम इत्याह वातिदिभि सन्निपातेन च। मतलब अपस्मार के 4 प्रकार हैं, किस तरह से, तो वात आदि सन्निपात से, वात से, पित्त से, कफ से और सन्निपात से, आगंतुज भी है 5वां टाइप, लेकिन यहाँ पे इन्होंने केवल 4 ही टाइप बताए हैं, आगंतुज कारण भी होता है। चलिए आगे आगंतुक पढ़। में वैजी क्या कारण होंगे, जैसे जैसे देवग्रह, पितृग्रह, राक्षस ग्रह, जैसे उन्माद में होते हैं वैसे अपस्मार में भी वो कारण भी होते हैं, जी दूसरे जी ग्रंथों में बताए, इनमें नहीं बताए। चलिए ये पढ़िए। अस्मिन् अपस्मार अस्मिन् अपस्मार उद्भूषति सति हृत्कम्पादय स्युः अक्षि व्याकृतमिति विकृति शब्दात् स्वार्थे प्रज्ञादित्वात् स्वप्ने च। मतलब इसमें बोल रहे हैं कि अस्मिन् अपस्मार उद्भूषति सति,
ये यहाँ पे अपस्मार बताया है, इसमें हृदय कंपन आदि सारे सिम्टम होते हैं। अक्षिक व्यकृत मतलब क्या है कि आंखें जो होती है वो टेढ़ी मेढ़ी होती है, और आंख का जो अंदर का जो आईबॉल होता है वो भी ऊपर की तरफ जाता है। विकृति शब्दार्थ स्वार्थ है, यहाँ पे ये संज्ञा मिली है कि अक्षि व्यकृत हो जाता है। विकृति शब्द से इन्होंने अपना अर्थ बताने के लिए ये चीजें बताई हैं। स्वप्ने चा, सपने में क्या होता है उसको? ये पढ़िए, गानादि स्यात्। गाना दि स्यात् तैल मध्यो पान स्यात् तथा तयोरेव तैल मध्यो मेहन मूत्रण स्यात्। मतलब सपने में वो गान आदि करता है और तेल और मद्य पी रहा है, ऐसा उसको सपना आता है, और उसी तरह से तेल और मद्य का वो मूत्र भी त्याग करता है, यूरिन पास करता है, ऐसा जो सपने में होता है वही एक्चुअल भी होता है। चलिए आगे का जो श्लोक है ये संता देखिए कौन पढ़ेगा, वर्षा कौशिक मैम या अंजना मैडम आप पढ़ेंगी या वीना मैम? सर मैं एक बात बोलूं सर, हाँ सर बोलिए। मैं ये कह रहा था, जी मैडम अभी कह रही थी कि चक्कर खा के गिरना ही इसका लक्षण होगा, जो असली जो स्वप्न में स्थिति है ना, क्योंकि उसका अंदर का जो मन है वो स्वप्न में देखता है और उस तरह की बातें सोचता विचारता है। यदि उस तरह की बातें उसके दिमाग में आ रही है और उस स्वप्न में वो मैं गाना नाचना और उस तरह की हरकत कर रहा है, कई रात में जगते हैं और उस तरह की हरकत करते हैं, उससे शायद लक्षण मेरे हिसाब से ज्यादा ठीक बैठेगा बजाय चक्कर खाने के, वो तो एक शरीर की विकृति भी हो सकती है, चक्कर खा के गिरना वगैरह वो सब। तो नहीं सर, मानसिक मनस के ऊपर प्रॉब्लम है, मतलब वो हिस्ट्री पहले ले ली है मैंने, तो मनस के ऊपर है प्रॉब्लम, मानसिक रूप से मतलब उसका प्रॉब्लम था, हिस्ट्री ली है पूरी, और 2018 से थोड़ा 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 होते हुए ऐसे हुआ तो, और अभी उसकी मनस के ऊपर ही है सर ये, मतलब ये कि बहुत आगे नहीं वो, क्योंकि हमारे मेरी एक टीचर हैं तो उनसे उन्होंने प्रारंभिक थोड़ी चिकित्सा पहले कभी ली थी, उसके बाद वो कंट्रोल हुआ, लेकिन अभी वो ये सब ज्यादा हो रहा है क्योंकि 3-4 महीने से वो करियर वाइज भी थोड़ा सा दिक्कतें हैं, तो कुल मिला के मतलब ये उसके ऊपर नहीं जा रहा कि जैसे हम और भी चक्करों के कारण ढूंढते हैं, तो काफी कुछ इससे मिलता है और उसके उसके मेमोरी के ऊपर भी असर है। बाकी ऐसा नहीं है कि अभी गाना नाचना, तो मुझे लगता है कि ये सारे सिम्टम्स एक में हो ऐसा नहीं है, कुछ सिम्टम्स अगर मिले तो हम नित्य विरेचन है या विरेचन प्लान करके पित्त की चिकित्सा करें, तो ये तो बहुत ही प्रारंभिक चिकित्सा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो अगर उन्हें सर मूड ऐसा है ही है। नहीं तो जी फिर तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो वहां वहीं जाएगा सर, तो। जी सर, हिस्ट्री पूरी ली थी ना, तो उसमें मतलब और बाकी कोई कारण और दिक्कत नहीं है, तो इसलिए मुझे अच्छे से कनेक्ट हो रहा है कि ये प्रारंभिक अवस्था ही हो सकती है, सारे का सारे नहीं है दिखने की उठ के नाचने लग जाए या ऐसा हो जाए या लाला स्राव निकल रहा है या नाक से नाक जब बेहोश होने के बाद मुंह से लाला निकल रहा है, इतना तो होता ही है सर, और बेहोश होने के बाद जो है वो भ्रुकुटी अजीब सी चेहरा हो जाता है, ये भी होता ही है, तो इसीलिए मैं कनेक्ट कर रही थी। हाँ जी सर, मेरा थैंक कहना यू मतलब सर। उतना ही था, जैसे ये लक्षण जो आते हैं चक्कर खा के गिरना या इस तरह की स्थिति वैसी भी हो सकती है, ये मानसिक कारण उसमें साथ में मिल रहे हैं तो फिर उधर उधर ही गया वो। जी, सर बहुत सारे कारण है चक्करों के सर, हम लोग सबने पढ़े हैं ना, तो वो वाले कारण सर ओवररूल कर दिए थे। थैंक यू सर। ठीक है, आप लोगों में से कौन ये संता देके पढ़ेगा 9 10 11 नंबर का श्लोक, पढ़िए प्लीज कोई तो। सर्वातात् हाँ आप पढ़िए, आपके पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। स्फुरत प्रपत्ति तत्र स्मृत शक्ति शक्ति प्रपतश्च मुहुर्मुहुः, प्रपतश्च प्रपतश्च मुहुर्मुहुः मुहुः अपस्मरति संज्ञां च लभते विस्मरं सुहृदं, अपस्मृति संज्ञा अपस्मरति च संज्ञां च लभते लभते स्वर्धनम्। विस्मरं सुहृदं, उत्पीडिताक्षस्वसिति फेनं वमतिकम्, उत्पीडिताक्षस्वसितिफेनं पते वमतिकम्पते। अविध्यति शिरो दन्तान् दशत्यात्मातकत्तरः, अविध्यति शिरो दन्तान् शिरोदन्तानन्दशत्यात्मातकन्दर। दशत्यात्मातकन्दरः, परितो विक्षपत्यांगं विषमं विनीतांगुलि
परितोभिक्षिप्तं विषमं विहतांगुलिः रुक्षश्याव अरुणाक्षी त्वक्खस्या कृष्णमीक्षते चपलं परुषं रूपं विरूपं विकृताननम् चपलं परुषं रूपं विरूपं विकृताननम् जी अभी ये बाता जप स्मार का हिंदी वाला पढ़ दीजिए। हाँ ये पढ़िए। वातज अपस्मार में वायु के कारण टांग में स्फुरण निरंतर प्रतिक्षण अपस्मार में होता है और विकृत स्वर से रोता है और रोता हुआ संज्ञा को प्राप्त करता है। आंखें ऊपर को निकलती रहती है, जोर से श्वास लेता है, झांक का वमन होता है, कांपता है, दीवार आदि से शिर को फोड़ता है, दांतों को काटता है, कंधों को फुलाता है, अंगों को चारों ओर फेंकता है, अंगुली को विषम से मोड़ता है एवं आंख त्वचा नख मुख रुक्ष शाव अरुण वर्ण के हो जाते हैं। काला तथा चपल चंचल कठोर विरूप और विकृत मुख वाले रूपों को देखता है। तब ये बात के सिम्टम है कि टांगों में स्फुरण हो रहा है, निरंतर प्रतिक्षण अपस्मार में होता है, कंटिन्यू उसको बार बार झटके आ रहे हैं, विकृत स्वर से रोता रहता है, फिर वो संज्ञा को प्राप्त होता है, आंखें ऊपर को निकली हुई रहती है, ऐसे बल्जिंग टाइप रहता है, जोर से सांस लेता है, झाग का वमन करता है, कांपता है, दीवार आदि से सिर को फोड़ता है, दांत को काटता है, कंधों को फुलाता है, अंगों को चारों ओर फेंकता है, अंगुली को विषम मोड़ता है, आंख त्वचा नख मुख रुक्ष और शावर अरुण वर्ण के हो जाते हैं, काला और चपल चंचल कठोर विरूप और विकृत मुख वाले रूपों को देखता है। इसकी टीका पढ़ दीजिए। तत्र तेषु मध्यात् वातादापस्मारे सति स्फुरत् क्वात् स्फुरत् सत्क्वात् सत्तु आदि सत्यादिकम 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 स्यात् सत्यादिकम स्यात् मतलब इसमें वातद अपस्मार में स्फुरण होता है, मतलब वहां पे ट्विचिंग होगा, मतलब स्फुरण होते रहेगा, और शक्ति आदि में ये सब होता है और ये सारे आदि सिम्टम्स आ जाते हैं। चलिए महेंद्र सर आप भगवान का कोई प्रेयर कर दीजिए सर। सर शिव रक्षा स्रोत है और ईश्वर सबकी रक्षा करे इस तरह का ये शरीर की। सरतम देव देवश्चे महादेवश्च पावनम अपारम परमोदारम चतुर्वर्गस्य साधनम गौरी विनायकोपेतम पंचवक्त्रम त्रिनेत्रकम शिवम ज्ञात्वा दशभुजम शिव रक्षाम पठे नरे गंगाधरे सिरे पातु बालम अर्धेन्दु शेखरे नयने मदन ध्वंसी कर्णौ सर्प विभूषणे ग्राणम पातु पुरारार्ती मुखम पातु जगतपति दिव्याम भागी स्वरे पातु कंदराम चिति कंदरे श्री कंठे पातु मे कंठम स्कंदौ विश्व धुरंधरे भुजौ भूवार संगरता करौ पातु पिना किद्रक हृदयम शंकरे पातु जठराम गिरिजापति नाभी मृत्युंजय पातु कटी व्यागी जनाम्बरे शक्तिनि पातु दीनार्तो शरणागत बत्सले उरु महेश्वरे पातु जानु जगदीश्वरे जंगे पातु जगत कर्ता गुल्फौ पातु गणाधिपे चरणौ करुणा सिंधु सर्वांगानि सदा शिवे एतां शिवबलोपेतां रक्षां ये सुप्रति पठेत् स भक्त्वा सकलान कामान शिव सायुज्य आपनुयात् ग्रह भूत पिशाचाद त्रिलोक विचरंती ये दूरदारासु पलायन्ति शिवे शिवनामं अवरक्षणात् अभयंकर नाम इदं कवचं पार्वती पति भक्त्या विवर्त्य कंठे तस्य बस्सं जगत्त्रयम् इमां नारायणं स्वप्ने शिव रक्षां यथाद सत् प्रात्युत्थाय उपेन्द्रौ याज्ञवल्क्यस्य तथा लिखत् ओम नमः शिवाय। सभी की ईश्वर रक्षा करे।
थैंक यू सर, अब हम शाम को मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को, आप लोगों का दिन थैंक शुभ। यू, प्रणाम। प्रार्थना, प्रणाम।